क्या लगता है 2024 में नया चेहरा, नया चेहरा, नया चेहरा कौन है? नया चेहरा बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार जी रघुवर। देखिए सब सरकार में हम लोग खुश रहते हैं, सरकार बनाने से खुश नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में हमको तकलीफ हो जाता है। तकलीफ अभी है तो क्या बदलिए? तकलीफ यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, ना गाड़ी घोड़ा सही चलता है। अच्छा क्या लगता है दोबारा दोहराइएगा तो रोजगार मिलेगा सही से? किसी भी सरकार आएगा आप रोजगार देने को नहीं, अपना पेट भरने के लिए उसी बैठता है लोग। जोहार नमस्कार, आज हम लोग राजधानी रांची के चंदवे क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और आज यहां से हम लोग जानेंगे लोगों का मंतव्य 2024 के इलेक्शन के बारे में। और बहुत सारे लोग यहां पे हम लोग को दिखे हैं, उधर भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे क्या कुछ 2024 की रणनीति है रांची के चंदवे क्षेत्र से। दादा आप बोलिए। दादा जोहार। जोहार। क्या लगता है 2024 में 2024 की राजनीति क्या होने वाली है? सीएम वाला तो गया। कौन गया? मोदी। मोदी गया 2024 में? यहाँ रांची वाला बोल रहे हैं, झारखंड वाला। अच्छा हेमंत सोरेन। ओ हाँ हेमंत सोरेन, बीएस बीजेपी, बीएस कांग्रेस, वो साथ ही लगा हुआ है। हाँ जब वो गया तो ही भी गया। अच्छा हेमंत सोरेन भी गया। हाँ कौन आ रहा है तब? आवेगा तो सरकार कांग्रेस। कौन आएगा? कांग्रेस। कौन आएगा? नया चेहरा नया सरकार। नया चेहरा नया सरकार। क्या लगता है चाचा कोई स्पेसिफिक चेहरा आने वाला है क्या इस बार 24 में झारखंड की राजनीति में? क्या आएगा झारखंड का राजनीति? झारखंडी आएगा और क्या आएगा? झारखंडी आएगा। क्या लगता है 2024 में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? जो अभी बना हुआ है वही बनेगा। जो अभी बना हुआ वही बनेगा। तो जो विकास का काम कर रहे हैं तो उन्हीं को देगा आदमी। अच्छा और बीजेपी कांग्रेस आजसू सब नहीं? और अभी एक और अभी हम लोग झारखंड में जो देख रहे हैं हेमंत सरकार का जो विकास का काम तो उसी को देगा आदमी, ऐसा थोड़ी है। अच्छा जो बात है सही वही बतला रहे हैं, झारखंडी में हेमंत सरकार रहेगा। अच्छा जानते हैं जयराम महतो को अभी? ना हम तो नहीं जानते। आप जानते हैं चाचा? आप जानते हैं जयराम महतो को? जानते हैं। उनका सभा भी हुआ था अभी धनबाद में, बहुत भयानक। अपना कपड़ा उल्लू सीधा कर रहा है। समय आएगा सब परिवर्तन हो जाएगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा पता चल जाएगा। अच्छा दिन आने के बाद तो हम भी बोलेंगे जीतेंगे, आप भी बोलिएगा जीतिए। अच्छा यही बात है। मत किसका है जो आदमी आप अभी थोड़ी डिक्लेयर करता है उसी वक्त में क्लियर होता है। देखिए सेंट्रल का सरकार हो या झारखंड का सरकार हो, बेरोजगार पर ध्यान नहीं दे रहा है लोग। बेरोजगारी को जब तक ध्यान ना दे तब तक सरकार का कोई ही नहीं है, कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं, नहीं सिर्फ अपना गद्दी सेकने के चक्कर में उल्टा सीधा करते रहते हैं। ये पब्लिक मर रहा है, रेजा कुली लोग साला बैठ बैठ के काम नहीं मिल रहा है उन लोग को। जाइए मोराबादी में देखिए, अपर बाजार में देखिए, धुरुआ में देखिए, बिरसा चौक में देखिए, मोराबादी में देखिए कितना लेबर लोग बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, खाली है, काम नहीं मिल रहा है, काम का नाम नहीं है, कोई कामें नहीं है। अच्छा हेमंत सोरेन की सरकार से आप खुश हैं? देखिए सब सरकार में हम लोग खुश रहते हैं, सरकार बनाने से खुश नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में हमको तकलीफ हो जाता है। तकलीफ अभी है तो क्या बदलिए? तकलीफ यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, ना गाड़ी घोड़ा सही चलता है। अच्छा क्या लगता है दोबारा दोहराइएगा तो रोजगार मिलेगा सही से? किसी भी सरकार आएगा आप रोजगार देने को नहीं, अपना पेट भरने के लिए उसी बैठता है लोग, अपना पेट भरने के लिए बस। अच्छा 60-40 का नाम सुने हैं? 60-40 तो है ही है गिनती में, अब कहते हैं 60 भी है 40 भी है। अब 60-40 जो मैंने आप निकाल लीजिए। अच्छा 1932 खतियान जानते हैं? जानते हैं। क्या झारखंड के हित के लिए है 1932 खतियान? हित के लिए है वो, हित के लिए है। हाँ लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो जयराम महतो यही लेकर के चल रहे हैं ना? ओ जयराम महतो चल रहे हैं तो ठीक है, चल तो सक्सेस करेगा तब ना, हम यहाँ पारित कर रहे हैं, दिल्ली पारित नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा है आप समर्थन दे रहे हैं ना उसका? हम तो समर्थ झारखंड के, हम हमारे 32 खतियान हमको आरक्षण मिलेगा, हम किसी समर्थन में रहेंगे? आप समर्थन में हैं। क्या लगता है 2024 का राजनीति क्या होने वाला है झारखंड के लिए? झारखंड जैसा जो चल रहा है अभी बालू का लेकर के, अभी हम बालुए का सवाल डाल रहे हैं, उसमें से कितना रोजगार जा रहा है समझ रहे हैं ना? पहला है कि रोजगार जा रहा है कि गरीब मजदूर जो जाता है काम करने के लिए, बालू नहीं मिल रहा है, बालू के एवज में गिट्टी का भी वही हाल है, जड़ सीमेंट तो कहाँ से घर, बालू तो यहाँ से जाइए रहा है, पत्थर जाइए रहा है, कोयला जाइए रहा है, क्या चीज़? नहीं क्या भाई क्या बहुत क्या? बहुत एकदम अथी में जा रहा है, लुक्की छुपी कर दे, सबको लीज कर दे, सब पेपर में चले, लीज नहीं करेगा तो इसी ना होगा। एक नंबर काम करे ना भाई, एक नंबर हेमंत सोरेन के काम से खुश हैं? अब अभी तो ये बालू का लेकर के बहुत लोग रोजगार जमा रहा है, मतलब गरीबों को ना देखना है तो उनके काम से खुश हैं या नहीं?
और का तो नहीं खा सकते, बालू का विषय बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। क्या होना चाहिए बालू को लेकर? बालू का इसे पूरा लीज करना चाहिए, लीज करना चाहिए। एक नंबर काम कीजिए, एक नंबर काम कीजिए। 2024 में उन्हीं को बैठाइएगा फिर से। वो तो समय बताएगा। क्या लगता है 2024 में नया चेहरा? नया चेहरा, नया चेहरा। कौन है नया चेहरा? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार जी। रघुवर दास या रघुवर दास उम्मीदवार हो और कोई भी उम्मीदवार हो? जरा मातो को जानते हैं? नहीं जानते तो नहीं है। नहीं जानते हैं? नहीं। वो भी पार्टी बने अभी? ठीक है, कोई भी बने, सिर्फ काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा हो, जैसे बालू हो गया। अभी देखिए यहाँ जितना भी है बालू के ही सप्लायर लोग है, सब देखिए बेगारी बैठा हुआ है। सप्लायर छोड़े, सब गरीब मजदूर, गरीब मजदूर सब मार कर रहा है। लेबर कुली सब घर में बैठा हुआ है, बालू बंद है, काम नहीं मिल रहा है, सब बंद है, सब बंद है। एक चीज से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सीमेंट से सारा आदमी का नुकसान हो रहा है, कमाने खाने का, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सही बात है। क्या कुछ लगता है चचा? चचा से तो पूछिए लिए, और भाई लोग से पूछते हैं थोड़ा। ये नेताजी से? नेताजी हैं आप। क्या कुछ लगता है 2024 में कौन आने वाले हैं राजनीति? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, दोबारा दोहराइएगा। दोहराइए। उनके काम से खुश हैं? खुश है, पूरा खुश है पब्लिक। आपके लिए क्या क्या किए वो? सब कुछ कर रहे हैं। क्या क्या? झारखंड के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ विकास बताइए। कुछ विकास तो कर ही रहे हैं। क्या चीज को लेकर विकास होता है? आदमी पागल नहीं हो जाता? विकास तो ही रहा है। विकास हो रहा है तो फिर से दोहरा दीजिएगा उनको बस। और बीजेपी कांग्रेस आजसू का और अभी एक नया पार्टी बना, वो सब कहाँ गए? वो सब फेक है। फेक है। धनबाद का भीड़ देखे जयराम महतो का? जयराम महतो बढ़िया आदमी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो वो भी काम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। जयराम महतो में कोई शक नहीं है। आप वोट किनको करिएगा? वोट हम तो, वो तो मेरा मत का बात है। ठीक है, मतलब फिर भी लेख चले होंगे ना? वो हेमंत को। हेमंत को, हेमंत को फिर से बैठाइएगा। बस बैठा लो तो क्या बैठेगा? हमारे लिए क्या करेगा? पूरा झारखंड के लिए कर रहा है कि पूरा झारखंड के लिए? के लिए कोई करता है किसी के लिए? पूरा झारखंड के लिए कर रहा है। पूरा झारखंड के लिए कर रहे हैं, मतलब दोबारा उन्हीं को बैठा दीजिए। बस तो बैठल है, बैठल है, बैठल तो है, लेकिन फिर बैठाइएगा उन्हीं को। तीन बैठेगा वो, फिर बैठेगा, फिर बैठेगा। बस कोई डाउट नहीं, कोई शक ही नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, ये है राजधानी रांची का चंदवे का कुछ लोगों का मंतव्य, जो कि जानने का प्रयास किए हैं कि आखिर 2024 की राजनीतिक में ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इनका अपना गतिविधि है, क्या अपना मंतव्य है, क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं 2024 की राजनीति को लेकर के, कौन आने वाला है 2024 में झारखंड की राजनीति में? हेमंत, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू या नई नई पार्टी जो अभी बनी है JBKSS, आप लोग जरूर अपनी राय रखें। नमस्कार, जोहार।